अस्सलामु अलैकुम जी नाजरीन, माड़ा नाम सोहेल हाशमी। आज ना प्रोग्राम थोड़ा सीरियस टॉपिक पर है कि आज 8 अक्टूबर का दिहाड़ा है और 2005 8 अक्टूबर की एक बहुत बड़ा सानिया आजाद कश्मीर च होया। मुजफ्फराबाद की जल्जले की एक शदीद लहर आई और उसकी वजह बहुत सारे असने भैन भरा दोस्त यार और बहुत सारी फैमिलीज डिस्टर्ब हुई और बहुत सारे लोग इस असने जान फानी की छोड़ गए। तो उस हवाले मैं जान सा इतने लोगों ने ख्यालात कि उस दिन बाकी लोग जो क्या कर रहे थे इन्होंने क्या ख्यालात उस बारे। इमरान साहब ये दसो भी 2005 का जल्जला जो 8 अक्टूबर की आया तुम दिन याद है? जी बिल्कुल याद है सर। अस स्कूल बैठे सा जी, ठीक है, मैं चौथी पढ़ना सा तो मास्टर आख्या कि एकदम जल्जला आया था, बिल्डिंग शिल्डिंग ही ली है, ठीक है। अच्छा, तो मास्टर आख्या उठ के नस पो दे, ठीक है, मैं टाट चुका था नस पिया, ठीक है। टाट चुके नस पियो, ठीक हो गया। तो कितने जाकर स्टे की है सब? मुड़ के जनाब अस ग्राउंड सी स्कूल ने दरमियान सैन सी ग्राउंड सी। अच्छा, उतने जाके खेलते हैं तो मास्टर आख्या बस एकदम सैदरी बैर हो बैर हो, ठीक हो गया। तो कह सकने कि वो दिन कितना आसानी तारीख ही जड़ा वह खतरनाक सी और कितना दुख होया? बहुत बहुत दुख होया सी, काफ़ी जड़ी है ना तबाही हुई सी, ठीक है। तो असा की उस दिन ना बहुत बहुत बड़ा ठीक हो गया। उस तो इलावा मैं ये दसो भी हट के क्वेश्चन पूछसा कि पिछले साल भी 2020 भी 2019 भी असाने इतने मीरपुर आजाद कश्मीर और पिंबर बहुत शदीद जल्जले की लहर आई है। तो मीरपुर ने लोगों ने खास करके आखना सी भी ये डैम ना पानी ज़्यादा बढ़ गया सी मंगला डैम ना, उस वजह ना जरा जल्जला आया और जरा तबाही है डैम नहीं वजह ना है, ये दसो इसने बारे क्या ख्याल है? नहीं डैम नहीं वजह ना तो खैर जल्जले नहीं है हमने, ठीक है, कुदरत नहीं जी आजाद मसलन अल्लाह ताला ने तरफ अजाब असाते हैं हमने, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो कहने के डैम ने कोई अमल नहीं, नहीं इसने डैम ना कोई कंसर नहीं, ठीक हो गया। सर 2005 8 अक्टूबर की कोई दिन याद है सुनगे सानिया? बिल्कुल जी, असा ने आजाद कश्मीर बहुत खौफनाक किस्म का जल्जला होया, ठीक है जी, उस स्पेशली असा ने मुजफ्फराबाद एरिए काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई सी, ठीक हो गया। अल्लाह पाक उस जल्जले जड़े भी असा ने भरा भैन फोत हुए सन, अल्लाह उन्होंने जन्नत नसीब हुआ, आमीन सुम आमीन, लवाकिन के सबर अल्लाह दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, क्या नाम है सर? सुना ज़रियाब शायद। ज़रियाब साहब मैं ये दसो 2005 8 अक्टूबर की जल्जला आया और बड़ी तबाही हुई है, तुसा उस टाइम कितना मौजूद सो? मैं कारलमा पे असा स्कूलों छुट्टी की सी, बहाना एक बनाया सी सबई को खास चीज़ था, उसने वजह तो स्कूल को ना गया तो कार ही सा जल्जला आया, तो मैं कार ही लम्मा पे असा तो इस तरह पता लगा कि कोई माड़ी मंजी लाना पाया। अच्छा, तो मैं घर आह आख्या मंजी ना लाओ, तो बाद शामी पता लगा कि जल्जला आया वै, तो बाद टीवी शीवी तकिया कि बहुत नुकसान होया पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा, वाकई जी, जिन्हें नुकसान होया अल्लाह तला सबर दिया और जे इस दुनिया तो चले गए उन्होंने अल्लाह तला जन्नत उन्होंने कार करा। ज़रियाब साहब मैं ये दसो असा इलाके च कंसैप्ट बने हैं कि जो डैम ना पानी बढ़ जाना तो जल्जला आ जाना, ठीक है, अक्सर मीरपुर ने लोगों से जो कंसैप्ट पाया जाना है, तो तुम इस बारे क्या आखसो? नहीं है जी, एक बहाना के पानी ने वजह तो जल्जला होना है, डैम नहीं वजह तो नहीं, इस तरह होना रहा, असने माल ही है जे ना नमाज पढ़ने हैं ना रोज़ा रखने हैं, असने हालात ही है जे ना जल्जला तो वाकई आना ही है ना। अच्छा अच्छा, इस वजह ना जरा माल नहीं ठीक तो जल्जला तो आ रहा, ठीक है जी, ये नहीं इन्होंने मौकफ है कि लोग अपने अमल दुरुस्त कर लगा तो जल्जला नहीं आने लगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या नाम सर? सुना अली। अली साहब मैं ये दसो कि 2005 8 अक्टूबर की जो जल्जला आया तुसी कितने मौजूद सो? सर मैं स्कूल सी। अच्छा, तो पहला पीरियड लग गया सी, ठीक है, तो पूरी जमीन एक बार अली तो बहुत खौफ खराज सी। बाकी सुने नाल जो तालिब इलम सन जितने सुने साथी सन उन्होंने क्या रिएक्शन सी? सर रिएक्शन है यार बच्चा परेशान, बहुत ज़्यादा खौफ खराज सी, वालदैन परेशान सी, साढ़े बच्चे स्कूल गए पता नहीं जिंदा अफसन या जी। तो नाजरीन जल्जला एक कुदरती आफत है और अल्लाह ने आजमाइशें जो आजमाइश है इस ना डैम नाल कोई कंसर्न नहीं है, अल्लाह ताला असां की अपने काम चंगे करने तो फीक अता फरमाए और अपन इन इम्तिहान तू असां की जड़ा ना पास करने तो फीक अता फरमाए और इन इम्तिहान जो असें गुजरने नहीं हिम्मत दिया है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हो, तब तक अपने मेज़बान सोहेल हाशमी की दो इजाज़त, अल्लाह निगेबान।